पांच साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तब फिर रेड हो रहा है। अब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा। बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी बोलते रहे। हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सबके हित में चाह रहे थे, जब जिस दिन हो जाएगा हो गया। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। ईडी लगातार लालू यादव के रिश्तेदारों के यहाँ, उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी कर रही है। जमीन के बदले नौकरी का मामला है और इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हम इनके साथ आते हैं इनके यहाँ छापेमारी शुरू हो जाती है। पांच साल पहले जब इनके साथ आए थे तब भी छापेमारी हुआ था। देखिए नीतीश कुमार जो है इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। आज फिर समन जारी किया गया, फिर बुलाया गया। कर रहा आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कर रहा है। इन सब चीजों पर आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। पांच साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए तब फिर रेड हो रहा है, तब इसमें क्या कर। मैं कितना साल पहले से रेड होता था तब फिर हो रहा था, कोशिश कर रहा क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 का जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहां के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेट शुरू, तब क्या मामला है क्या मामला नहीं है ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है तो वो न जाने, तो ये सब कौन चीज है, ये सबको तो पहले भी किया है, तो ये कोई इशू है मेरी समझ से कोई खास इशू है। जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ तब फिर क्या हुआ, अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया तो क्या हुआ, और कहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता, अब हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का तो ऐसे ही पीछे किए हुए, रोज बोलना पड़ता है ना उन लोगों को, रोज बोलना पड़ता है तब भी, इसलिए हम नहीं जानना चाहते कि आप खामोश क्यों हैं इस पर। किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पर। कौन सी पर? पूरे प्रकरण कह रहे हैं कि बचाव जो जांच हो रहा है। सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले, एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा। बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। जांच एजेंसी पर ये सब तमाम जांचों पर सर पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री को, बीजेपी कह रही है कि आप कभी इस तरह के नहीं कोई उस तरह की बात नहीं। देखिए हम तो वेट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग काम करती हैं, उन सब चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो इच्छा हम तो यह काम करते रहते, रात दिन देखते नहीं, हमारी सक्रियता को नहीं देखते। अभी लोग को पूछिए वहां सामने भी है, कहाँ कहाँ गए, कितना जगह घूम कर गया, हर जगह की समस्या को देख लिया और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। तो हम तो काम में एंगेज हैं, हमारी एक ही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो जाए, तो एक राउंड हम बात करके कराए हैं, फिर यदा कदा बात होती रहती है, आज जब होगा तो उसके बाद ऐसे छोटा मोटा चीज के लिए कहाँ कहीं जाने का भी जरूरत, हमको उससे मतलब है। जो भी जिनको लगता है अपना पार्टी के लोग काम करते हैं तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो 7 पार्टियां एक साथ है तो सब मिलकर के सारा काम कर ही रहे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और बाकी कौन क्या करते हैं उनकी जो इच्छा होती है करते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन मेरा वहां पर पहुंच जाना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम तो जब सब कुछ एकजुटता होगी उसी समय फिर जहां से लेकर के सब जगह जाने की जरूरत हो जाएंगे,
हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है व्यक्ति, अपने लिए हम कुछ नहीं चाहते, हम तो सबके हित में चाह रहे थे, जब जिस दिन हो जाएगा होगा, तो वेट कर रहा है। कांग्रेस से आपने अपील की थी सर की कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, तब तो बराबर की यही है। अब आप जान, तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम नाम नहीं लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि जब भी ये हमारे साथ आते हैं कार्रवाई शुरू हो जाता है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, हम चाहते हैं कि सब कोई साथ आए, कांग्रेस भी साथ आए, उनको फैसला करना होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रद्द कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार के इस बयान पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।